हो गया गुड इवनिंग टॉल्स फ्रेंड्स वेलकम टू एक्सामपुर आप सभी का स्वागत है उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे सभी बच्चे जल्दी से एक बार लाइव आ जाइए और इस सेशन को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो सभी को नमस्ते सभी को प्रणाम सभी को बहुत सारा प्यार और चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक हमारे एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके साथ ही ऐसे पुराने बच्चे जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है पर अपडेट करना भूल गए हैं उनको मैं याद दिला दूँ कि अपडेट भी जरूर कर लीजिएगा तो सभी आ जाइए नमस्ते सभी को नमस्ते प्रणाम सभी को नमस्ते और जितने भी बच्चे यहाँ पर आते हैं डेली आपको आना है डेली शाम को चार बजे आपकी यह क्लास होती है और लाइक जरूर कर दिया करो और ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको यह क्लास कैसी लगी तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर और तुरंत डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर मूव करते हैं और जल्दी से इसका आंसर करते हैं कौन सा आंसर यहां पर सही बनेगा गुड इवनिंग नमस्ते नमस्ते प्रणाम आइए सभी बच्चे जल्दी से फटाफट से ठीक है तो जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और जल्दी से आप लोगों को इसका आंसर करके बताना है कौन सा आंसर आपका सही होना चाहिए तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है कि नेपेंथीस खसियाना या इंडिगेन पीचर प्लांट को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया है चलो जल्दी से इसका आंसर करो यहाँ पर नमस्ते बेटा ठीक है रघुरंजन धन्यवाद सभी बच्चों को धन्यवाद आ जाइए फटाफट बताइए चलिए इसका आंसर करेंगे कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही बनेगा अब आंसर की ऑप्शन तो भक्षी, तो भक्षी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यह समझेंगे भक्षी होते क्या है इंसेक्टिवरस जो प्लांट होते हैं वह होते क्या है तो आपको आंसर करना है कि इंसेक्टिवरस प्लांट की अगर हम बात करें तो ऐसे पेड़ ऐसे पौधे जो कि ऐसे जगह उग रहे हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी है और उस नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए वो क्या काम करेंगे कीड़े मकोड़ों को खाएंगे और उन्हीं को क्या कहा जाता है यहाँ पर इंसेक्टिवरस कहा जाता है ठीक है ये कैसे होते हैं अलग अलग शेप और साइज के हो सकते हैं अगर आप पीचर प्लांट को आप लिख सकते हो यहाँ पर घटपर्णी भी यहाँ पर यह होते हैं घटपर्णी भी यह यहाँ पर होते हैं यानी पीचर प्लांट यह होते हैं ठीक है ठीके? घट पर्णी इनको यहाँ पर कहा जाता है तो इनकी जो पत्तियां होती है वो अः जैसे घड़ा होता है उस आकृति की हो जाती हैं काफी खूबसूरत होती हैं है ना नेक्टर भी भरपूर मात्रा में होता है तो वहां पर जब इंसेक्ट आते हैं वह बैठते हैं और फिसल के गिर जाते हैं और इतने में ये ढक्कन लगा लेती हैं अपना ठीक है और इस तरह से ये शिकार अपना कर लेती है इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताऊ की से सन ड्र्यू हो गया या फिर वीनस ट्रैप फ्लाई हो गया और पीचर प्लांट्स हो गए ये काफी खूबसूरत होते हैं मतलब कुछ शटक रंगों के होते हैं या फिर आप इनको अगर ध्यान से देखें तो ये बहुत अच्छी खुशबू निकालेंगे या बदबू निकालेंगे अब जो हमें बदबू लगता है हो सकता है कि कुछ कीड़ों को वो पसंद हो ठीक है और इनमें नेक्टर भी भरपूर मात्रा में होता है मतलब जिसको कहते हैं मकरंद मीठा मीठा स्वाद वाला, मकरंद भी बहुत रखना अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर पढ़े पर उससे पहले अगर आप सैप्रोफाइट के बारे में बात करते हैं यहाँ पर होते हैं ठीक है अनिल सभी बच्चे आ जाइए नमस्ते बेटा सभी को नमस्ते आप बात करेंगे मोनोसाइट्स को क्या कहा जाता है मृतोप जीवी भी यहाँ पर कहा जाता है क्या कहा जाता है मृतोप जीवी भी कहा जाता है मृतोप जीवी यानी साप्रोफाइट्स का मतलब होता है जो डेड डी के मटीरियल यानी सड़े गले अवशिष्ट पदार्थ जो सड़ गए हैं गल गए हैं खराब हो गए उनके ऊपर जीवन अपना यापन कर रहा है उसको क्या कहा जाएगा सेप्रोफाइट्स कहा जाएगा जैसे अगर आप कवक के बारे में बात करो यानी के बारे में बात करो तो वो क्या कहलाते है हैं यहाँ पे पर कहलाते हैं नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है वो है वो क्या होते हैं जहां पर पानी की कमी है फिर भी वह वहां पर उग जाते हैं उनको क्या कहा जा रहा है जीरो फिर हम बात करते हैं हेलोफाइट है, हेलो फाइट्स �हेलो जो होते हैं वो बड़े बढ़िया होते हैं मतलब खुश नसीब होते हैं खुश नसीब ठीक है जिनका मतलब है कि उनको लाइट भी सही मिल रही है सोइल भी बढ़िया उनको मिल गया है मिनरल्स बढ़िया मिल रहा है पानी बढ़िया मिल रहा है खाद पानी बढ़िया मिल रहा है सब कुछ बढ़िया मिल रहा है और वह क्या कहलाते हैं हेलोफाइट्स यहाँ पर कहलाते हैं ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखना चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस विटामिन को टोफेरोल भी यहाँ पर कहा जाता है किस विटामिन को टोकोफेरोल भी यहाँ पर कहा जाता है चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए हाँ मरुस्थल में भी यह उग सकते हैं बहुत बढ़िया अब बताओ फटाफट से अगर आप टोकोफेरोल के बारे में बात करते हैं तो टोकोफेरोल किसको यहाँ पर कहा जाता है बताइए फटाफट से इसका आंसर करिए टोकोफेरोल की हम बात करें तो विटामिन ई e, अगर आप विटामिन ई को बहुत ही ध्यान से देखें तो जो विटामिन ई होता है ना तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है कि टोकोफेरोल उसी को ही यहाँ पर कहा जाता है साथ में ही मैं आपको यह भी बता दूं कि जो विटामिन ई होता है इसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं क्या कहते हैं ब्यूटी विटामिन भी यहाँ पर इसे कहा जाता है आप सभी ने यहाँ पर देखा होगा कि आजकल जितनी भी फेस क्रीम है हेयर के लिए शैम्पू सीरम जो बन रहे हैं लोशन बन रहे हैं उनमें बहुत ही मात्रा में आपको विटामिन ई e देखने के लिए मिलता है ठीक है तो ये खूबसूरती बढ़ाने का काम यहाँ पर करता है और अगर इसकी कमी हो जाए बॉडी के अंदर तब क्या होगा अगर इसकी कमी शरीर के अंदर हो जाती है तो हमें वीकनेस बन जाती है हमारी जो स्किन होगी वो खराब हो जाती है त्वचा संबंधी रोग यहां पर हो सकते हैं और साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो विटामिन ई e होता है उसकी कमी की वजह से कई बार बांझपना जैसी समस्या भी आ सकती है ठीक है जबकि विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन डी को हम प्यार से सनशाइन विटामिन कहते हैं और इसका साइंटिफिक नाम होता है ठीक है और इसकी कमी की वजह से आप देखेंगे ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोपोरोसिस रिकेट्स इस तरह का रोग यहाँ पर हो जाता है नेक्स्ट आपका आएगा विटामिन के विटामिन के को क्या कहा जाता है फाइलोक्विन कहा जाता है या फिर मेटाक्विन कहा जाता है और मेटाक्विन की अगर हम बात करते हैं विटामिन के की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए सबसे जो सही बात है वह ये कि अगर इसकी शरीर में कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग अच्छे से नहीं हो पाता है इनका पूरा परिवार होता है तो विटामिन बी की हम बात करें तो टोटल कितने सदस्य पाए जाते हैं विटामिन बी के अंदर आठ सदस्य पाए जाते हैं विटामिन बी वन से यह शुरू होता है और विटामिन बी ट्वेल्व तक यहाँ पर हो जाता है ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखना आप कुछ कहे बच्चे कहेंगे कि बारह होंगे मैम बारह नहीं बारह नहीं होंगे आंसर करना आठ होंगे और अगर आपसे यह पूछा जाए कि हमारी पूरी बॉडी में कितने विटामिन की आवश्यकता हमें यहाँ पर होती है तो तेरह विटामिन की आवश्यकता हमें यहाँ पर होती है ठीक है लेकिन विटामिन बी की अगर हम बात करें तो आठ ठीक है तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान यहाँ पर रखना है अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में में से किस जंतु त्वचा स्वसन अंग के रूप में जाना जाता है मतलब ऐसा कौन सा यहाँ पर ऑर्गन है सॉरी ऑर्गेनिज्म है ऐसा कौन सा यहाँ पर जीव है जो कि त्वचा से यहाँ पर सांस ले रहा है जो कि त्वचा से यहाँ पर सांस ले रहा है तिलचट्टा है मेढक है वेल है डॉगफिश है किसके माध्यम से यह कार्य यहाँ पर होगा बताओ फटाफट फ़ड़ से इसका आंसर आंसर करो कौन सा यहाँ पर आपका सही होना चाहिए बताइए फटाफट फ़ड़ से अब आंसर अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर बनेगा वह क्या है मेढक यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो फटाफट फ़ड़ से नोट करेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है मेढक क्या है मेढक की अगर हम बात करें तो मेढक एक तरीके का एम्फीबियन है क्या है यह एक तरह का एम्फीबिया है यानी यह या एक तरह का उभयचर है और जो भी उभयचर होते हैं वह अपने गिल्स यानी गलफड़े से इसके साथ ही अपने लंग्स यानी फेफड़ों से और अपनी जो मोइस्ट स्किन होती है क्या होती है मोइस्ट स्किन नमी युक्त त्वचा उससे यह आसानी से सांस यहाँ पर ले लेते हैं ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखना और साथ में आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मेढक हो गया टोड यानी मेढक का बड़ा भाई हो गया हाइला मेढक का छोटा भाई जिसको ट्री फ्रॉग भी कहते हैं और सिलेमेंडर ये सभी एम्फीबियंस के अंतर्गत आते हैं और यह तीनों से ही सांस लेते हैं और अपनी त्वचा से भी यह आसानी से सांस यहाँ पर ले लेते हैं ठीक है तो इस चीज को आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है ठीक है हिंदी में मैं लिख देती हूँ बेटा हिंदी में ये लिखा तो है हिंदी में ऑप्शन लिखा तो है बच्चा विमलेश ये लिखा हुआ है तिलचट्टा मेढक वेल और डॉगफिश लिखा तो है आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि अगर आप कॉकरोच के बारे में बात करते हो तो जो कॉकरोच होता है वह किससे सांस यहाँ पर लेता है तो लिखे यहाँ पर ट्रेकिया प्रणाली से किससे ट्रेकिया ट्रेकिया प्रणाली से यह सांस लेता है से ट्रेकिया प्रणाली से यह सांस लेता है वेल की अगर हम बात करते हैं तो वेल एक क्या है मछली है नहीं ये मैमल है ये स्तनधारी प्राणी है और स्तनधारी प्राणी है इसका मतलब ये किससे सांस लेगी लंग से सांस लेगी यानी फेफड़े से यह सांस लेगी आप सभी ने देखा होगा ना कि जो वेल मछली होती है उसको हम मछली तो बोलते हैं पर वो होती क्या है एक्चुअली में मैमल होती है स्तनधारी प्राणी होती है तो जब उसको सांस लेना होता है तो वो समुद्र के ऊपर की तरफ आती है है ना और बड़ी जोर का अपना मुंह खोलती है है ना और बहुत सारा पानी लेकर के बहुत सारा ऑक्सीजन लेकर के वो अंदर की तरफ

और यहाँ पर आप देखोगे कि शार्क मछली है तो इसी वजह से यह गिल्स से सांस लेगी यानी गलफड़े से सांस यह यहाँ पर लेगी ठीक है तो फटाफट फड़ से नोट कर लो जिन्हें नहीं पता था माँ यादव नमस्ते सभी बच्चों को आ जाओ मीनू सुजाता गौतम ठीक है तो सभी ने नोट कर लिया इसको क्लियर है ठीक है पलक ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं कि अगर आप सभी करना चाहते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की तैयारी तो आप सभी के लिए आया हुआ है मिशन वर्ती बैच इस ब, इस बैच को आप लोग बहुत आसानी से ले सकते हैं और अभी यहां पर डिस्काउंट चल रहा है उसके लिए आप सभी को जी डी कोड का यहाँ पर यूज करना है इस कोड का यूज करते ही आपको जो हमारा बैच है वह चार में उपलब्ध हो जाएगा इसके अपने कुछ बहुत ही शानदार फीचर्स है जैसे

के लिए आपको तो यह आपको एक हजार की वैकेंसी आने वाली है तो जो बच्चे कर रहे हैं ALP की की ए की तैयारी यानी कि टेक्नीशियन एग्जाम्स की तैयारी तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं उनके लिए बहुत ही एक शानदार बैच आ रहा है वंदे भारत बैच जिसमें आप लोग पढ़ सकते हो और इस नंबर पर आप सभी अपनी जो भी क्योरी है या जो भी उससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है बात करना है वो सभी आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं बात कर सकते हैं ठीक है चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं मैम ट्रेकिया ट्रेकिया प्रणाली प्रणाली क्या होता है? Okay. आ, का मतलब है कि होता है 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 ओके का मतलब कि जैसे कॉकरोच तो वो ट्रेकिया के माध्यम से अपना श्वसन करता है हम लोग फेफड़े के माध्यम से श्वसन करते हैं तो ट्रेकिया प्रणाली का मतलब होता है कि छोटी 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 बहुत सारी ट्यूब्स बहुत सारी डक्ट वहां पर पाई जाती है और उसी के सहारे वह अपना श्वसन कर रहा है इसीलिए उसको हम ट्रेकेल प्रणाली यहाँ पर कह देते हैं ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसके निर्माण में पौधों को कैल्शियम की आवश्यकता होती है कैल्शियम इज रिक्वायर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल क्लोरोफिल नन ऑफ दिस चलो इसका आंसर करेंगे कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए ग्रुप डी भी आएगा क्या मैम बेटा भी ग्रुप डी तो अभी जस्ट हुआ ही है ठीक है तो अभी नहीं कह सकते लेकिन हाँ ए एल पी की आप तैयारी कर सकते हो ऑलमोस्ट सेम है ठीक है जैसे अगर आपने ग्रुप डी एन की तैयारी की होगी तो ऑलमोस्ट uh, करोगे तो आप कोई नहीं उठाएगा, आपको के लिए के लिए आप यहाँ पर हमारा सही बनना चाहिए और इसका जो सही आंसर बनेगा वह क्या है बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कौन सा आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि सेल वॉल ठीक है सेल की दीवार सेल की दीवार यानी कोशिका भित्ती ठीक है कोशिका भित्ति अच्छा कोशिका भित्ति की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को यह तो पता ही होगा कि जो भी यहाँ पर एनिमल सेल होता है और एक प्लांट सेल होता है तो एनिमल सेल और प्लांट सेल यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में जो सबसे ज्यादा अंतर होता है वह कौन सा होता है कि भाई जो प्लांट सेल होती है ना उसके चारों तरफ आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पर एक सेलवोल दिखाई देगा एक कोशिका भित्ति यहाँ पर आपको दिखाई देगा जबकि एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल सेल में कभी भी को कोशिका भित्ति नहीं दिखाई देती और यही मुख्य एग्जाम वीडियो का एग्जाम कब होगा मैम राकेश बहुत जल्दी होगा अभी उसके नोटिफिकेशन के ऊपर तो कोई ऐसी चर्चा हुई नहीं है पर जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगी ठीक है जब भी आएगा परेशान मत हो तो आ, एनिमल सेल में नहीं होता जबकि प्लांट सेल में यह पाया जाता है अब कुछ बच्चे ना बचपन से यही पढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है पर ऐसा नहीं है प्लांट के अलावा अगर आप देखेंगे तो जो बैक्टीरिया होती है उसमें जो फंजाई यानी कवक होते हैं उसमें भी आपको यह देखने के लिए मिलता है आप सभी को यह भी पता होगा कि अगर आप किसी भी पौधे के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो पौधे की जो वॉल होती है वह किससे बनी हुई होती है सेलुलोज से बनी हुई होती है और जो सेलुलोज होती है वह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होती है जबकि बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वह किसकी बनी हुई है तो आंसर करना ग्लाइकोपेप्टोन की बनी हुई, हुई होती है और अगर आप फंजाई यानी कवक के बारे में बात कर रहे हैं तो जो कवक की शैवाल होती है वह किससे बनी हुई होती है काइटीन की बनी हुई होती है किसकी बनी हुई होगी काइटीन की बनी हुई होती है ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा ठीक है ओके गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग आ जाओ बच्चों सभी यहाँ पर

इतना बड़ा है ये तो क्वेश्चन कैसे मैं करूं सॉल्व है ना लग रहा होगा पर बहुत सिंपल है देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि एक एंजाइम के बारे में यह यहाँ पर पूछ रहा है किसके बारे में पूछ रहा है एक एंजाइम के बारे में यहां पर पूछ रहा है पहले इस चीज को क्लियर कर लो दिमाग में कि एंजाइम के बारे में यहाँ पर यह पूछ रहा है दूसरे नंबर पर Uh, आपने जब इसके शब्दों को ध्यान से देखा होगा तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी कुछ इस तरह का लग रहा है ये बिल्कुल ठीक बात है और वहां पर यह कह रहा है कि बिल्डिंग ब्लॉक को जोड़ते टाइम पर बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब जो भी प्रोटीन्स हो सकते हैं प्रोटीन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रोटीन्स को आपस में जोड़ना या डीएनए को आपस में जोड़ना तो एक ऐसा एंजाइम जो छोटे 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 डीएनए के टैम्पलेट्स को एक साथ जोड़ रहा है यानी डीएनए के जो छोटे छोटे यहाँ पर टुकड़े हैं उनको एक साथ जोड़ रहा है उसको क्या यहाँ पर कहा जाएगा यही क्वेश्चन आप लोगों का है चलो अब जल्दी से इसका आंसर करो कौन सा आंसर यहाँ पर आपका फिफ्थ का सही होना चाहिए और इसका जो सही आंसर बनेगा वह क्या है पॉलीमरेज़ क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर पॉलीमरेज क्योंकि जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है यह डीएनए के साथ यहाँ पर कार्य करता है और डीएनए के साथ कार्य करने के साथ ही यही क्या कर रहा है हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी बनाने का काम यहाँ पर करता है अगर आप अपने डीएनए को देखते हो तो आपका डीएनए कैसा होता है द्विकुंडलित आकृति का यह होता है ठीक है साक्षी मैम एक डाउट है हाँ बेटा पूछो क्या डाउट है आ, लवर्स नमस्ते नमस्ते बेटा सभी को नमस्ते आ जाइए बताओ कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है है ना अगर क्वेश्चन से रिलेटेड है सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हो आ, दीदी जी ग्राम पंचायत सचिव की वैकेंसी कब आएगी विमलेश अभी मुझे जानकारी नहीं है अगर आपको ऐसा कुछ भी डाउट पूछना है ना जैसे वैकेंसी का तो ऑफलाइन कमेंट कर दिया करो ताकि मैं पूछ करके कंफर्म करके आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगी ठीक है ओके अब नेक्स्ट मानव निम्नलिखित जीवित उत्को में किस में रक्तवाहिका नहीं होती है हाँ काफी अच्छा प्रश्न है ये चलो अब जल्दी से इसका आंसर करो कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए सिक्स का बताइए फटाफट से इसका आंसर करेंगे छठवे का कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए तो अगर हम अपनी आंखों के बारे में बात करते हैं आंखों में एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप देखेंगे कि कोई भी रक्त प्रवाह नहीं है और जब नेत्रदान किया जाता है तो उस टाइम पर भी इसी का ही दान किया जाता है मतलब आप जब आई डोनेट करते हो तो इसी का ही डोनेट किया जाता है और वह क्या है तो आंसर करना है यहाँ पर कॉर्निया आंसर क्या होता है यहां पर तो फटाफट फड़ से इसको नोट करेंगे कि जो बी ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही है अब यहाँ पर नीचे की तरफ रक्त नलिका नहीं दिखती और इससे यह फायदा होता है कि जब ट्रांसप्लांट किया जाता है आंखों का या आंखों से कॉर्निया निकाला जाता है तो उतना ब्लड का लॉस नहीं होता तो अगर कोई जिंदा रहने रहते हुए आ, आई डोनेट करना चाहता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखना Rana जी ओके थैंक यू थैंक यू बच्चों सभी को थैंक यू चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर एक प्रॉब्लम इज़ बाय इन एबिलिटी ऑफ द बोन मैरो टू प्रोड्यूस द रेड ब्लड सेल्स इन प्लेस इन विच अमंग एक स्वास्थ्य समस्या के बारे में कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है यानी लाल रक्त जो कणिकाएं होती है वो अस्थि मज्जा में बनती है लेकिन एक ऐसी स्थिति जब अस्थि मज्जा हमारी लाल रक्त कणिकाओं को नहीं बना पा रहा तो इस तरह की बीमारी को या इस तरह की कंडीशन को क्या यहाँ पर कहा जाएगा ठीक है हैप्पी किंग बताओ फटाफट से ठीक है टारगेट ओके से बताइए पहला है यहाँ पर एनुरिया दूसरा है यहाँ पर आपका आ, एपलेस्टिक एनिमिया नेक्स्ट है यहाँ पर एनीमिया और फिर है यहाँ पर

देखिए ऐसा है कि हमें ना कोई भी एक हड्डी लेनी है ठीक है और जो हड्डी होती है वह कैसी होनी चाहिए यहाँ पर लंबी हड्डी होनी चाहिए थोड़ी बड़ी हड्डी यहाँ पर होनी चाहिए तो हमने क्या किया यहाँ पर एक हड्डी इस तरीके से हमने यहाँ पर ले ली आप सभी को यह बात बहुत अच्छे से पता होगा कि जो भी हमारी हड्डी होती है वह कैसी होती है अंदर से खोखली होती है पोरस तो होती ही है क्षेत्रयुक्त होती ही है और अंदर से यह खोखली भी यहाँ पर होती है दूसरे नंबर पर जब आप इसे अंदर की तरफ से यहाँ पर देखेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर रेड कलर के कुछ टिश्यूज दिखाई देंगे कुछ ऊतक या कुछ सेल्स से यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और जब इन्हें बड़े ध्यान से हम देखेंगे तो पता यह लगेगा कि यह क्या है रेड बोन मैरो है यही क्या है रेड बोन मैरो है हिंदी में इसे हम क्या कह रहे हैं लाल अस्थि मज्जा इसी को हम क्या कह रहे हैं लाल अस्थि मज्जा तो फटाफट से इसको नोट करिए और जब लाल अस्थि मज्जा के बारे में बात करते हैं तो यह क्या है तो आंसर आपको करना है कि लाल अस्थि मज्जा ही आरबीसी और डब्लू का निर्माण करने का काम यहाँ पर करती है है ना आरबीसी मतलब लाल रक्त कर्णिकाय रेड ब्लड कार्पियो और उसके साथ ही डब्लू की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू मतलब क्या हो गया आपका श्वेत रक्त कर्णिकाय ठीक जब हम इसे और ध्यान से देखेंगे तो कुछ हमको यहाँ पर सफेद सफेद से टिश्यूज भी दिखाई देंगे है ना और कभी कभी और ध्यान से देखो तो ये सफेद टिश्यूज हल्के से कैसे दिखाई दे रहे हैं पीले रंग के भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अब ये क्या है तो इनको हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये है वाइट बोन मैरो ये क्या है वाइट बोन मैरो ठीक है और हिंदी में अगर हम देखें तो इसे कहा जाता है श्वेत श्वेत अस्थि मच्छा श्वेत अस्थि मच्छा इसको यहां पर कहा जाता है ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखना अब ये क्या काम करता होगा तो ये क्या काम करता होगा ये फैट बनाने का काम करता है ये वसा बनाने का काम करता है और इसीलिए इसको कई बार हम येलो बोन मैरो भी कह देते हैं येलो बोन मैरो भी कह देते हैं यानी पीली अस्थि मज्जा भी कह देते हैं और ये क्या काम करता है फैट यानी वसा बनाने का काम यहाँ पर यह करता है ठीक है तो इस चीज को ध्यान आपको रखना है ओके बच्चों? अच्छा, एक और प्रश्न आपका यहां पर बन सकता है कि यह कि यह बताइए अगर अगर भ्रूणीय अवस्था के बारे में हम यहाँ पर बात करें किसके बारे में बात करें भ्रूणीय अवस्था यानी अगर आपसे पूछा जाए कि यह बताओ कि इम्ब्रियोनिक कंडीशन में कब इम्ब्रियोनिक कंडीशन में भ्रूणीय अवस्था में भ्रूणी अवस्था में जो आरबीसी होती है वह कहां पर बनती है तो आंसर आपको क्या करना है कि इसके लिए काम करती है हमारी हमारा लीवर कौन काम करता है लीवर यकृत में यह बनता है और यकृत का साथ कौन देता है तो लिखना स्प्लीन देता है यानी प्लीहा यहाँ पर देता है तो ये भी प्रश्न आप लोगों का यहाँ पर पूछा जाता है तो फटाफट -फड़ से आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए ठीक है याद रहेगा सभी बच्चों को ओके काजल क्या हो गया कहा जा रहे हो बेटा अभी तो क्लास शुरू ही हुई है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है जीव विज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा सांप से संबंधित नहीं है ठीक है चलो जल्दी से इसका आंसर करो यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही बनना चाहिए बताओ फटाफट से इसका आंसर करो जल्दी से इसका आंसर करो कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही बनेगा तो यहाँ पर एट्थ जो है उसका आप लोगों को आंसर यहाँ पर करके बताना है कौन सा आंसर आप लोगों का यहाँ पर सही बनेगा देखते कितने बच्चे यहाँ पे सही आंसर करके बताते हैं बताओ फटाफट से जल्दी से बताओ ठीक है अब यहाँ पर अगर आप देखें तो स्नेक की प्रॉपर स्टडी को क्या यहाँ पर कहा जाता है तब आपको आंसर करना है कि उसको हम कहते हैं ओफियोलॉजी ये प्रॉपर आपका हो गया यहाँ पर ओफियोलॉजी ओफियोलॉजी मतलब प्रॉपर आपका आप स्नेक की स्टडी यहाँ पर कर रहे हो ठीक है हर्पेटोलॉजी हर्पेटोलॉजी में हम सांप का भी अध्ययन करते हैं यानी सरीश्रप का भी अध्ययन करते हैं और हम लोग प्रॉपर जो एम्फीबियंस होते हैं उनका भी अध्ययन करते हैं तो सर के अंतर्गत आपका क्या आ जाता है हर्पेटोलॉजी सरपेटोलॉजी भी आपका सांप के अध्ययन को कहा जाता है तो बच क्या क्या उसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पर और वो है सेरोलॉजी तो सोरोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें हम करते हैं लिजाल्ट की स्टडी किसकी छिपकली की किसकी छिपकली का अध्ययन करते हैं ठीक है तो सिर्फ और सिर्फ छिपकली का अध्ययन कर रहे हैं ठीक तो इसीलिए यह ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है तो फटाफट से नोट करिएगा कि जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा ठीक है अब नेक्स्ट पेट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट विटामिन कौन सा आंसर आपका यहाँ पर सही होना चाहिए बताइए फटाफट से इसका आंसर करेंगे नाइन्थ का कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए अब यहाँ पर अगर आप देखो ना ये मोटा हो गया है इसको हम लिख लेते हैं बसा चलो अब जल्दी से इसका आंसर करो यहाँ पे कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही बनेगा आंसर जो इसका बनेगा वो है प्रोटीन आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रोटीन तो जो बैक्टीरिया होती हैं वह प्रोटीन प्रोटीन के वेस्ट मटेरियल या फिर प्रोटीन के जो आ, आ, कह सकते हो प्रोटीन से कुछ भी पदार्थ बनाए उसको बहुत ही जल्दी क्या कर देगा यहाँ पर कहना चाहिए कि आ, करना यहां पर शुरू कर देता है ठीक है इसका सबसे बेस्ट है नॉर्मली तौर पर हम समझते हैं कि घर पे अगर आप कोई प्रोटीन बेस्ड चीज लेकर के आओ वो जल्दी खराब होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि बैक्टीरिया वहां पर काम करने लगता है बैक्टीरिया उसको सड़ाने का काम करने लगता है इसके अलावा एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दू की जैसे मान लीजिए आप लोग किसी पब्लिक टॉयलेट में जाते हो और पब्लिक टॉयलेट में जब आप जाते हो ना तो आप देखना कि बड़ा गंदा सा फील होता है है ना कई बार साफ नहीं रहता कुछ तो बहुत साफ रखते और कुछ ऐसा है कि वहां पे जाकर के आप यूरिनेशन के लिए जा जा रहे रहे हो हो सुसु करने के लिए जा रहे हो, वो तो होगा नहीं उल्टी और कर दोगे इतनी गंदी बदबू आती है और ऐसा क्यों क्यों होता है कभी सोचा है देखो इस चीज को नोटिस करो क्यों ये मैं बता रही हूं देखिये जब हम यूरिन पास करते हैं यानी जब कभी भी हम लोग यहाँ पर मूत्र विसर्जित करते हैं तब हम यूरिया निकाल रहे हैं क्या निकाल रहे हैं यूरिया निकाल रहे हैं और यह मैं यहाँ पे क्यों एग्जांपल ले रही हूँ यूरिया कैसे बना जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है आपके यकृत के अंदर प्रोटीन जब टूटता है तभी यूरिया का निर्माण यहाँ पर होता है ठीक है और फिर उसके बाद अगर पानी डाल के उसको साफ नहीं किया गया तो यूरिया ऐसे ही पड़ा है आसपास की जो भी बैक्टीरिया होगी वो तुरंत वहां पर अटैक कर देगी और इसका डिकम्पोजिशन यहाँ पर कर देगी खराब यहाँ पर कर देगी उसे डीकम्पोजिशन कर देगी और क्या बना देगी अमोनिया यहाँ पर बना देगी तो ये जो गंदी सी बदबू आती है ना एकदम से नाक पकड़ के भागते हैं हम लोग क्यों भागते हैं क्योंकि अमो, अमोनिया की जो गंदी सी बदबू है वो यहाँ पर है ठीक तो आपको क्या समझ आया कि प्रोटीन के टूटने से ही यूरिया बना था इसका मतलब नाइट्रोजन के कंटेंट अभी भी वहां पर हैं, ठीक है तो इस चीज को ध्यान यहाँ पे रखना नमस्ते बच्चों सभी को नमस्ते प्रणाम अच्छा कुछ सर कुछ लोग पूछते हैं कि ये वाले सर का कब होगा क्लास ये वाली मैडम का कब होगा क्लास बच्चे मुझे नहीं पता ठीक है मेरी पूरे दिन भर में छह से सात क्लासेस होती हैं मुझे सिर्फ अपना पता होता है टाइम टेबल इज इम्पोर्टेंट मैं टाइम टेबल नहीं बनाती हूँ ये मेरा काम नहीं है मुझे नहीं पता इतने सारे टीचर्स हैं मैं ये नहीं देखती कि किसकी क्लास कब होगी ठीक है तो सभी बच्चों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा कि जो भी कंसर्न टीचर हैं प्लीज आप उन्हीं से ही पूछे कि कब क्लास होती है मुझे नहीं पता है ठीक है चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट है यहाँ पर आर वॉट आर द फर्स्ट प्लांट दैट लिव्ड ऑन द लैंड भूमि पर रहने वाले जो प्रथम पौधे थे उनको क्या यहाँ पर कहा जाता है चलो जल्दी से इसका आंसर कर दो यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है कि मैम आप न्यू हो क्या जो नहीं पता है विनोद पहली चीज तो देखो बेटा मैंने बहुत प्यार से आपको समझाया अगर आपको समझ नहीं आएगा तो फिर मैं आप जिस तरह से बदतमीजी दे रहे हो वैसे ही बदतमीजी मैं दे दूंगी ठीक है ठीक है और शायद भूल गए हो कि आप किससे बात कर रहे हो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं चलिए अब जल्दी से इसका आंसर करेंगे यहाँ पर का कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए बताइए फटाफट से और इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वह क्या है एंजोस्पम्प ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए बताइए फटाफट से इसका जल्दी से इसका आंसर करिए जल्दी से इसका आंसर करिएगा कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही बनेगा वॉट आर द फर्स्ट प्लांट दैट लिव्ड ऑन लैंड जल्दी से इसका आंसर करेंगे कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे सही आंसर करते हैं अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं ब्रायोफाइटा कुछ बच्चे कह रहे हैं टेरिडोफाइटा, ओके ठीक है बच्चों बताओ फटाफट से इसका आंसर करो कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए सभी बच्चे ब्रायोफाइटा ही बता रहे अच्छा ये बताओ कि ब्रायोफाइटा के बारे में आपको पढ़ाया किसने है कि ये फर्स्ट लैंड प्लांट है फर्स्ट लैंड प्लांट है यह किसने आपको बताया गलत बताया जिन्होंने भी बताया है। चलो लिखो फटाफट से फर्स्ट प्लांट ऑन अब कुछ बच्चे हैं कि सही होगा, कुछ बच्चे यहाँ परेशान हैं कि टेरिडोफाइटा यहाँ पर सही होगा कुछ बच्चे बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशान हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका जो सही आंसर है वो बता देती हूँ आपको इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन इसका जो सही आंसर है वह क्या है डी ऑप्शन तो फटाफट से इसको नोट करेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा ठीक है कैसे सही होगा देखिए अगर आप बात करते हो प्लांट्स के बारे में तो प्लांट्स की जो सबसे मतलब सब पहले, बने? बने. सब पहले कौन बने यहाँ पर शैवाल यहाँ पर बने ठीक है और जो शैवाल थे जो एलगी थे वो हमेशा कहाँ पे रह रहे रह रह थे तो ठीक है अंकिता कहाँ पे रह रहे रह थे बेटा तो आंसर करना है यहाँ पर कि वह तो पानी में रह रहे थे फिर शहवाल से आगे जा करके क्या यहां पर बने ब्रायोफाइटा यहाँ पर बने और जो ब्रायोफाइटा है वह क्या है तो आंसर करना ब्रायोफाइटा वो पेड़ पौधे हैं जो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं मतलब जमीन में भी रह सकते हैं तो इनको क्या कहा एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम पादप जगत के ठीक है फिर इनसे जब विकास यहाँ पर हुआ तब क्या यहाँ पर बना तो आंसर आपको करना है फिर बने यहां पर टेरिडोफाइटा। तो जो टेरिडो फाइटा थे ना इनको क्या कहा गया ऑफ़ द प्लांट किंगडम यानी पादप जगत का सरिश यहाँ पर कहा गया और यह जो पौधे थे ये फर्स्ट लैंड प्लांट थे यानी ऐसे पौधे जो जमीन में ही उगे ठीक है ब्रायोफाइटा कैसे थे जो जमीन में भी रह पा रहे हैं और पानी में भी रह रहे हैं ओके फिफ्टी फिफ्टी पर फिफ्टी फिफ्टी नहीं चलेगा यहाँ पे जो जमीन में ही यहाँ पर रह रहे हैं वह कौन सा है यहाँ पर तो आपको क्या आंसर करना है दूसरी जगह के वहां पर ब्रायोफाइटा टिक किया गया है बहुत ज्यादा जगह टिक किया गया है ब्रायोफाइटा लेकिन ब्रायोफाइटा और टाइडो फाइटा की अगर हम बात करें तो टाइडो फाइटा ही सही आंसर है ओके टाइडो फाइटा ही सही आंसर है हंड्रेड परसेंट ओके चलो फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं तब क्या बने यहां पर जिम्नोस परम्स. जिम्नोस परम्स को क्या कहा जाता है तो आंसर करना अनावृत्त बीजी या नग्न बीजी कहा जाता है और फिर सबसे लास्ट में आता है एंजियोस्पम्प और एंजियोस्पम्प को क्या यहां पर कहा जाता है तो आंसर करना आवृत बीजी यानी पुष्पधारी पौधे इनको यहाँ पर कहा जाता है ठीक है तो ध्यान रखना ठीक है बच्चों मैं आपको यही बता रही हूं। पता होता क्या है ना कि जैसे अगर किसी बुक में मिसप्रिंट हो गया तो आजकल के लोग मेहनत नहीं करते उसको वैसे ही छाप देते हैं प्रूफ रीडिंग वगैरह से नहीं करते इसे और पता आप लोग इतनी मेहनत करते हो फिर क्या होता है आप लोग गलत कराते हो क्योंकि आपने गलत पढ़ा है इसीलिए टीचर की जरूरत है ठीक है तो ध्यान रखना चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पर कि आर द द सेंटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अगर आप यहाँ पर पेरेनॉइड के बारे में बात करते हैं तो वह किसके गठन का कार्य यहाँ पर करता है वह किसके गठन का कार्य यहाँ पर करता है बताओ जल्दी से इसका आंसर करो फटाफट से कौन सा आंसर यहाँ पर आपका इलेवंथ का सही होना चाहिए बताइए जल्दी से इसका आंसर करेंगे इलेवंथ का कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए तो जो पेरेनॉइड होते हैं यह आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं और जो प्लांट्स यहाँ पर होता है उसके अगर हम यहाँ पर देखें प्लांट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उनका जो स्टार्च होता है उसके गठन के लिए उसके गठन के लिए पेरेनॉइड्स ही यहाँ पर कार्य करता है इसके अलावा अगर आप पेरेनॉइड के बारे में बात करते हो तो कई बार यह स्टोरेज का काम भी करता है चीजों को यहाँ पर क्या कर रहा है स्टोर uh, uh, करने का काम भी करता है और उसके साथ ही यह कई बार मतलब uh, थोड़ा कम मात्रा में लेकिन कई बार यह क्या काम करेगा यहाँ पर कि uh, जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है उसमें भी यह कार्य करने का काम यहां पर करता है है ठीक अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट तो यहाँ पे मटर के दानों को किसी सहारे के चारों ओर कुंडलित होने का क्या यहाँ पर अर्थ होता है ठीक है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि व्हाट डज इट मीन्स फॉर द पी ग्रेन्स टू बी क्वाइल्ड अराउंड एनी सपोर्ट अब इस चीज को यहाँ पर समझो सबसे पहले सबसे पहले आपको क्या समझना है कि जैसे अगर आप किसी भी मटर के पौधे को देखते हो है ना तो जो मटर का पौधा होता है सभी ने खाई होगी मटर ठंडियों में तो खूब बढ़िया हरी हरी मटर आती है खूब खाया करो तो मटर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो मटर होता है उसमें आप देखते हो कि इस तरीके से इस तरीके से क्या निकला हुआ होता है कुछ कोयल निकला हुआ होता है स्प्रिंग की तरह है ना और फिर हम फिर वो जो पौधा होता है वो नीचे की तरफ लुढ़कने लगता है फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं फिर हम करते हैं यहाँ पर एक बांस लगा देते हैं या एक डंडा यहाँ पे लगा देते हैं और पौधा इसमें लिपटा देते हैं ऐसे गोल गोल करके ताकि जो पौधा होता है वो मरता नहीं है आराम से जिंदा रहता है और उसकी सहायता से जिंदा रहता है तो यह जो मटर के पौधे होते हैं उनकी जो टेंडेंसी होती है कि वह क्या हो रहा है किसी के सहारे यहाँ पर जिंदा रह रहा है या फिर अगर आप यह देखो कि मटर का जो पौड है मटर का मटर का जो पौड है इस तरीके से कई बार यह भी इस तरीके से घुमावदार सा हो जाता है आपने अगर मटर के फली को देखा होगा तो वो भी कई बार इस तरीके से घूम जाता है ठीक है मटर पनीर का सीजन चल रहा है चलो बहुत बढ़िया ठीक है तो वो भी आपस में कैसा होगा पर अगर उसको टच कर दो या वो अच्छे तरीके से वो नहीं है तो वो क्या हो जाएगा थोड़ा सा यहाँ पर क्वाइल हो जाता है तो जब कभी भी कोई भी पौधा या उसका कोई भी भाग कुंडलित हो रहा होता है तो वह किसकी वजह से हो रहा होता है थेगमो ट्रोपिस्म की वजह से हो रहा होता है और इसीलिए जो आंसर बनेगा वह क्या है डी ऑप्शन यहाँ

चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर निषेचन का प्रकार नहीं है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि निषेचन का प्रकार नहीं है यानी फर्टिलाइजेशन का प्रकार यहाँ पर नहीं है चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो कौन सा आंसर यहाँ पर आपका तेरव का सही होना चाहिए बताइए फटाफट से इसका आंसर करेंगे जल्दी से इसका आंसर करिए कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे सही आंसर करते हैं बताओ फटाफट फड़ से इसका आंसर करो निषेचन का प्रकार नहीं है अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यह देखेंगे कि निषेचन का क्या यहाँ पर मतलब होता है फर्टिलाइजेशन का क्या यहाँ पर मतलब होता है तो बच्चों एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब कोई भी मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं यानी नर युग्मक और मादा या स्त्री युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है तो आंसर करना फर्टिलाइजेशन यहां पर कहा जाता है ठीक है और अगर आप देखो पोरोगैमी और इसके साथ ही कैरेजोगेमी मीजोगी ये सभी फर्टिलाइजेशन के प्रकार होते हैं लेकिन कभी भी हम अगर गाइनोगी के बारे में बात करें तो गैमी कभी भी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रकार नहीं होता लेकिन इसकी जगह अगर एक्स तो लिखा हुआ होता है जी की जगह तो एक बार को सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो गाइमोगी यहाँ पर गलत आंसर है ठीक है क्लियर है अब नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर पौधों की पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे रिंद्र को क्या यहाँ पर कहा जाता है अब कोई भी आपकी यहाँ पर पत्ती है इस तरीके से ठीक है अब पत्तियों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसमें आपको छोटे छोटे से छिद्र पर दिखाई देते हैं ठीक उन्हें क्या यहाँ पर कहा जाता है बताओ जल्दी करो फटाफट से कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए और आंसर जो यहाँ पर बनेगा वह क्या हो जाएगा स्टोमेटा तो फटाफट से नोट करेंगे यहाँ पर स्टोमेटा यानी कि रंध्र यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो भी हमारा रंध्र होता है यानी जो भी स्टोमेटा होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है गार्ड सेल्स यहाँ पर करती हैं और जो गार्ड सेल्स होती हैं जब उनमें पानी भर जाता है तब वो फूल जाती हैं और उस टाइम पर स्टोमेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर खुल जाता है स्टोमेटा की सहायता से ही यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज यानी कि जो गैस होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उसका विनिमय होता है एक्सचेंज होता है और इसी के माध्यम से इवोपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण और साथ में आप कहेंगे कि भाप बन के चीजों का उड़ना भी इसी के माध्यम से यहाँ पर होता है ठीक है बच्चों? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा अब नेक्स्ट उस पौधे का रोग क्या है जिसमें पत्तियों की निचली सतह पर महीन जाले बन जाते हैं यह आप लोगों ने देखा होगा जैसे मान लो कोई भी यहाँ पर पौधा है और एक पत्ती है इस तरीके से ठीक है तो पत्ती के नीचे की तरफ आप देखना चलो बच्चो जल्द से इसका आंसर करिए फिफ्टींथ का कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए बताओ फटाफट से इसका आंसर करो वट इज द नेम ऑफ द प्लांट डिजीज इन विच द फाइन वेबिंग ऑन द अंडर साइड ऑफ द लिवस बताओ जल्दी से इसका आंसर करो कौन सा आंसर यहां पर आपका सही बनेगा इसे क्या कहा जाता है तो फटाफट से नोट करना है इसे कहा जाता है स्पाइडर माइट्स क्या कहा जाता है स्पाइडर माइट्स तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए स्पाइडर माइट्स ठीक है चलो फटाफट से इसको नोट कर लो भाई स्पाइडर मकड़ी मकड़ी तो जाले बनाती है तो बस उसी तरीके से यह दिखाई देता है ठीक है पर एक्चुअली में मकड़ी ने जाले नहीं बनाए यहाँ पर यह एक प्रॉपर रोग है ठीक है तो इस चीज को ध्यान यहाँ पे रखेगा इसको मकड़ी की कुटकी भी कहते हैं क्या कहते हैं हिंदी में से मकड़ी की कुटकी भी यहाँ पर इसे कहा जाता है ठीक है तो फटाफट से इसको नोट कर लो मैम क्या यह ह्यूमंस को भी नुकसान पहुंचाता है नहीं बेटा यह ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचाता ये सिर्फ प्लांट को ही नुकसान पहुंचाता है ठीक है प्लांट्स को ही नुकसान पहुंचाता है ओके अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका ऑफ द इज और आर करेक्ट अबाउट द फीचर्स ऑफ द एम्फीबियंस यहाँ पे कह रहा है कि उभय चरो के लिए इनमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है यह हमें यहाँ पर बताना है जिल्फा इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि जब क्लास खत्म हो जाएगी ना तो ये जो आपकी बुक वाला जो प्रॉब्लम है ये मुझे बता देना उसमें लिख देना तो मैं ग्रुप में भेज दूंगी तुरंत आपको कार्रवाई हो जाएगी मतलब आ, आ, मतलब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा परेशान मत हो चलो अब जल्दी से इस कहां से करो यहाँ पर ठीक है ओके okay. बताइए फटाफट से कि अनेबल टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एबल टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर हर्ट इज थ्री चैम्बर ऑल द अब इनमें से कौन सा यहाँ पर सही दिया गया है बताइए बच्चों जल्दी से इसका आंसर करेंगे सोलवे का कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए ठीक है अब यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कुछ चीजों को जो मैं आपको यहाँ पर बता दू जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सभी को दो तरीके से यहां पर बांटा गया है कितने तरीके से दो तरीके से बांटा गया है पहले होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जिनको कहा जाता है शीत रक्त तापी ठीक है कुछ जो होते हैं उन्हें कहा जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स और हिंदी में इन्हें कहा जाता है गर्म रक्त तापी ठीक है दोनों में क्या अंतर है जैसे अगर हम अपने बारे में बात करें तो हम सभी क्या होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल हैं गर्म रक्त तापी हैं क्या हमारा खून गर्म है नहीं ऐसा नहीं है इसका यह मतलब है कि जो भी हमारा इंटरनल टेम्परेचर होता है जो भी हमारा इंटरनल टेम्परेचर होता है आंतरिक तापमान होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं यानी कंट्रोल करके रखते हैं 37 डिग्री है तो 37 डिग्री डिग्री है है तो के रखेंगे उसको ठीक उतना बना के रखेंगे उसके लिए अलग बात है कि हमें ठंडियों के टाइम पे कपड़े ज्यादा पहनने पड़ते हैं स्वेटर पहनना पड़ता है आग जलाना पड़ता है ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ता है इट्स ओके ठीक है लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि हम उच्च श्रेणी के हैं हम हायर हैं जबकि यहां पर अगर आप देखो तो यह जानवर क्या करते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए अपने शरीर के तापमान को घटाते बढ़ाते रहते हैं ठीक है तो क्या ये कंट्रोल कर पा रहे हैं उस लेवल को नहीं कर पा रहे ठीक है तो ध्यान रखना कि जो हम हैं वो कंट्रोल कर पाते हैं ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इसीलिए जो हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या है कि जो ए लिखा हुआ है क्या है अनेबल टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर और यह है एबल टू रेगुलेट बॉडी अब यहाँ पे बड़ी दिक्कत है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में असमर्थ यह होते हैं ठीक है तो इसका जो आंसर बनेगा दूसरे नंबर पर है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में यह सक्षम होते हैं तो इनमें से कौन सा यहाँ पर सही है कि असमर्थ होते हैं और इसीलिए जो आंसर बनेगा वह क्या है ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है क्लियर है किस नंबर पर भेजू मैम बेटा आपको नंबर पे नहीं भेजना जो भी यह क्लास आपकी चल रही है जब यह खत्म होगी उसके बाद ऑफलाइन कमेंट करके आप यहां पर बता देना ठीक है हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं वैसे यहां पर सरीसृपों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है अगर आप देखें तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन द Reptiles. चलो जल्दी से इसका आंसर करो कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए सत्रबे का बताइए फटाफट फड़ से 17 का कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए मैम रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स क्या होते हैं बेटा मतलब सरीशिप जो कि जमीन में रहते हैं पर इनको मेटिंग यानी कि जब भी, भी इनको बच्चे पैदा करना होता है तो ये पानी की तरफ नमी युक्त जगह पर यहाँ पर जाते हैं और जब इनको अंडे देना होता है तो वापस ये जमीन में अंडे देते हैं ठीक है चलो अच्छा एक बच्चा है भूपेंद्र यादव उनका आज बर्थडे है तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से भूपेंद्र को विश कर दीजिए हैप्पी बर्थडे भूपेंद्र गॉड ब्लेस यू मेरे और एग्जामपुर परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए खुश रहिए प्रगति करिए आप चलिए अब जल्दी से इसका आंसर आप लोग यहाँ पर करेंगे बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एबसेंट इन रेप्टाइल्स ट्रेकिया फेरिंग्स लैरिंग्स वोकल कॉर्ड्स अच्छा एक बच्चा बार बार एक यहाँ पे लिख के भेज रहा है बिहार जानते हैं है मैम बिहार जानते हैं है मैम का क्या मतलब होता है बेटा जाहिर सी बात है बिहार एक हमारा स्टेट है एक राज्य है भारत का क्यों नहीं जानते हैं जानते हैं बिल्कुल जानते हैं बिहार चलो अब जल्दी से इसका आंसर करो कौन सा आंसर आपका यहाँ पर सही होना चाहिए इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वो है वोकल कॉर्ड अगर आप सरिशभ के बारे में बात करते हैं तो सरिशभ के पास वोकल कॉर्ड्स नहीं होते कंठ होता है यानी गला जहां से आवाज निकलती है वो होता है लेकिन वोकल कॉर्ड्स नहीं होते हैं और इसीलिए जो आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या है डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है ठीक है बच्चों चलो तो आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने कुछ यहाँ पर नया सीखा होगा इसके अलावा इसकी जो इसके साथ ही मैं आपको लगभग दस पंद्रह और अलग से क्वेश्चन दूंगी और जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं वो सभी ध्यान रखेंगे कि एग्जाम्पुल की तरफ से आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है जिसका नाम है यहाँ पर अ अमृता मैम एग्जामपुर नोट्स ठीक है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर इस पूरी क्लास की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी ठीक है तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए डेली क्लास में आइए और कल मिलते हैं शाम को चार बजे थैंक यू सो मच टेक केयर बाय जय हिंद जय भारत